तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो रेजिस्टिव फोर्स डेवलप करती है, और जिसमें रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होती है विस्कोसिटी ज़्यादा है। उसके बाद कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, ये माना जाता है कि अगर मान लो लेयर्स की फॉर्म में लिक्विड फ्लो करे तो ये अपर लेयर है या लोअर लेयर है। तो मान लो कोई भी दो लेयर्स ले ली तो ऊपर की वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी डीवी नीचे की वेलोसिटी से। अगर नीचे की वेलोसिटी वी है तो ऊपर की वी प्लस डीवी है। तो मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, तो इनमें रेजिस्टिव फोर्स कितनी है, एफ है। ऑपोजिंग फोर्स इसमें एफ है। ये एफ का फॉर्मूला नोट करें, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, दो लेयर में कितनी वेलोसिटी का डिफरेंस है और दो लेयर में डिस्टेंस कितना है डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ए का मतलब एरिया ऑफ लेयर, ईटा का मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। जितनी ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगा ईटा उतना ही ज़्यादा होगा, अगर विस्कस लिक्विड कम होगा, नॉन विस्कस पानी जैसा लिक्विड है तो ईटा उसका कम होगा। ईटा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ईटा के जो यूनिट्स हैं वो एसआई में क्या होते हैं, डेकापॉइज होते हैं, और वैसे सीजीएस में क्या होते हैं, पॉइज होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का एक तरीका है, क्या तरीका है इसको एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, चलो आगे लेता हूँ प्रॉब्लम भी, रुको, एक फॉर्मूला नोट और कर लो, पॉइज़लीज़ फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, पॉइज़लीज़ फॉर्मूला। पॉइज़लीज़ फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्यूब है, कोई भी एक ट्यूब है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2, तो पीछे का प्रेशर ज़्यादा और आगे का कम होना चाहिए, तभी लिक्विड आगे मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। तो ये रूल है। तो मान लो प्रेशर का डिफरेंस इसमें डेल्टा पी है, दैट इज P1 माइनस P2, तो इसमें जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, लेंथ इसमें एल है, और रेडियस इसमें कितना है, आर है। तो इसके अंदर वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है इस ट्यूब में। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की जो वैल्यू है, यानी कि कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला नोट करें, π/8 डेल्टा पी आर इज टू पावर 4 बाई ईटा टाइम्स एल। ये बार बार यूज होगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इसे नोट कर लें। पहला फॉर्मूला विस्कस फोर्स का, दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का। तो ये फॉर्मूला नोट करें, आज के इसमें यूज होगा। तो ये पॉइज़लीज़ फॉर्मूला है जो क्या बताता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा यूज भी होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लिक्विड मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड इज ऑलवेज गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। ये भी नोट करें, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दो तरीके से निकलता है, या तो पॉइज़लीज़ फॉर्मूला जिसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन होती है, या फिर एरिया इनटू वेलोसिटी, जिससे मर्जी निकल सकता है। ठीक, एरिया इनटू वेलोसिटी तो पक्का यूज होगा कंपटीशन में, गारंटेड है, वरना वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आना ही आना, भी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। हाँ, स्ट्रोक्स लॉ, स्ट्रोक्स लॉ का फॉर्मूला नोट करें। इसके अंदर ये गिवन है कि अगर एक कोई भी स्फेयर किसी भी लिक्विड में गिरा जाए, तो जब वो नीचे गिर रहा होगा तो लिक्विड उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जिसका फॉर्मूला होता है 6π ईटा इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी है। वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका रेडियस आर है, तो एफ इज इक्वल टू 6π ईटा आर भी। ठीक है, ये इसका तीसरा फॉर्मूला। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड के दो फॉर्मूला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का स्फेयर के ऊपर चौथा फॉर्मूला, तो एफ इज इक्वल टू 6π ईटा आर भी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई भी बॉल को हम वाटर के अंदर घेर दें, और मान लोहे का बॉल है, तो नीचे आपने इसको रिलीज किया, यू इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो रिलीज किया, शुरू में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कुछ देर के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। स्काई डाइविंग के अंदर भी होता है, कोई प्लेन से गिर जाता है तो पहले उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है, उस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। वो कैसी होती है इसको ध्यान से देखना। ये स्फीयर नीचे क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। वेट क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। पानी इसके ऊपर, लिक्विड इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाएगा, एक तो लगाएगा अप थ्रस्ट वी इंटू सिग्मा इंटू जी, और एक क्या लगाएगा इसमें, 6π ईटा आर वी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा,
थोड़ी देर में ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन जीरो है, तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो ऊपर और नीचे की फोर्सेस को अगर हम इक्वेट कर दें तो यहां से जो अंदर से वेलोसिटी आएगी उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो प्लीज फॉर्मूला नोट करें टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला नोट करें। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड हो गया, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी हो गया, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हो गई और टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। बस ये चैप्टर इस पे क्लोज है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी, क्वेश्चन शीट में से देखते हैं अपनी 114। ये लो, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। तो 8 रेन ड्रॉप्स रेडियस 1 mm फॉलिंग डाउन विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5। तो एक छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स हैं इसमें, एक छोटा ड्रॉप जो है उसके टर्मिनल 5 है, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो टर्मिनल ऑफ अ बिगर ड्रॉप क्या होगा? रूल नंबर 1, जब 8 ड्रॉप्स मिलेंगे, बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो वॉल्यूम इक्वेट कर देना है। तो वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, 8 इनटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। तो यहां से रेडियस का रेशियो आ जाएगी, छोटे का रेडियस पड़ा है, पता है, बड़े का रेडियस आ गया, एक चीज आ गई। उसके बाद क्या करना है, टर्मिनल का फॉर्मूला लगाना है। जब आप टर्मिनल का फॉर्मूला लगाते हैं तो जो पहली डेंसिटी होती है, याद रखना, वो बॉडी की डेंसिटी होती है, और दूसरी जो डेंसिटी होती है वो मीडियम की डेंसिटी होती है। जैसे अगर मान लो लोहे का पी, अगर मैं लोहे की बॉल गिर रहा हूँ किसी सी में, तो पहली डेंसिटी लोहे की होगी और दूसरी डेंसिटी पानी की होगी। लेकिन ये ड्रॉप क्या है, पानी का बना हुआ है और एयर में गिर रहा है, तो बॉडी किसकी बनी हुई है, पानी की, और मीडियम क्या है, एयर। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है यहाँ तक? तो जहाँ आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है वह लिख लेना, ये बॉडी की डेंसिटी और ये मीडियम की डेंसिटी है, याद रखना। तो जब आपने टर्मिनल का फॉर्मूला लगाया तो चाहे छोटा ड्रॉप चाहे बड़ा ड्रॉप, डेंसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, जी में कोई चेंज आएगा नहीं, तो टर्मिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। तो पहले केस में छोटे ड्रॉप का रेडियस 1 है, बड़े ड्रॉप का रेडियस हमने निकाल लिया 2 है। छोटे ड्रॉप की वेलोसिटी पता है, बड़े की निकालना, डिवाइड करके आंसर आया हुआ है। मेंस की प्रॉब्लम ये एनसीईआरटी की पहली प्रॉब्लम है, ये टर्मिनल की ये डाली हुई है। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ इसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस, ये जो क्वेश्चन है, अ प्लेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया, कोई प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है जिसका एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया है, रेस्ट ऑन अ लेयर और ऑफ ऑयल 2 mm थिक। इसको ऐसे देखना है आपने, ये एक प्लेट है, ठीक, और ये ऑयल की लेयर है, ये ऑयल की लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक, तेल की लेयर के ऊपर एक प्लेट को रख दिया। आगे जिसकी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा गिवन है, एरिया गिवन है, तो आपको बताने कितनी फोर्स चाहिए होगी मेरे को इसको क्या करने के लिए, मूव करवाने के लिए, ताकि मैं कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा सकूं 3 cm/s से, राइट? तो क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या करना है, देखो इसको ऐसे व्यू करना है कि मेरे को ओवर क्या, कम क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये एक प्लेट की लेयर है, नीचे ऑयल है, तो जो ऑयल की लेयर है वो रेस्ट पे है, प्लेट मूव करती है 3 velocity से, तो जो प्लेट की वेलोसिटी वो 3 है, ऑयल की 0 है, ऐसा करेंगे ना, ये जो लेयर टच कर रही है इसे, ऐसे जो लेयर ऑयल के टच कर रही है, इसकी स्पीड भी 3 cm/s ही होगी, क्योंकि वो प्लेट के साथ मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन जो ऑयल की बिल्कुल नीचे की लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। आपने लेयर को देखना है ऑयल की, तो पहली लेयर मूव कर रही है 3, लोएस्ट 0, तो इन दोनों को माइनस करके डीवी आ जाएगा कितना, 3 - 0 3 cm/s। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, डीवी की वैल्यू आ गई, राइट? तो आपको ये थिकनेस भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, लेयर, रेस्ट ऑन अ लेयर 2 mm थिक। आपको इसमें क्या गिवन है, dx भी इस क्वेश्चन में गिवन है, डीवी आ गया, dx आ गया, ठीक, ईटा भी गिवन है, बस पुट कर दो। तो आपको कितनी फोर्स लगानी है खींचने के लिए, जितनी आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवरकम करना है आपने,
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है कितनी है, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, डीवी बता दिया, डीएक्स बता दिया, एरिया पता है, ईटा पता है, आंसर ऐसे सोच रहे हैं आपने इसमें। तो समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन कैसे करेंगे इसमें। अब जैसे अगला क्वेश्चन सेम है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा लेयर के ऊपर, बस फर्क यह है कि इसमें फोर्स पता है क्या पुट करनी पड़ेगी, जो यहाँ स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगी, टेंशन, फोर्स की जगह टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे वो मॉडिफिकेशन करता जाएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता जाएगा। उसके बाद आगे रिजल्ट्स हैं, हमने ये क्वेश्चन में सीखा हुआ है कि अगर दो रजिस्टर्स हैं और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो करंट ऐड होगा, वी सेम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी में, और सीरीज में वी जो है वो ऐड हो जाता है और करंट सेम रहेगा। उसी तरीके से पॉइसलीज फॉर्मूला हमने ये किया, पॉइसलीज फॉर्मूला में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इसके इक्वल है, आप इसमें डेल्टा पी को ऊपर रखें, पाए और आर फोर को नीचे ले जाएं, तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर का डिफरेंस, और ये क्या आ जाएगा, इसको लिक्विड रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्यों, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, जो चार्ज करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, ओम लॉ क्या कहता है, ओम लॉ के अकॉर्डिंगली, ओम अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। तो करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, इस चैप्टर में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह प्रेशर डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जगह लिक्विड की रेजिस्टेंस। तो लिक्विड की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बाहर आ गया, इफ नीडेड तो लिक्विड की रेजिस्टेंस को हम ऐसे यूज करेंगे, वैसे यूज होती कम है, मतलब और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, बट हाँ लिक्विड की रेजिस्टेंस का मार्क करने को आ जाता है, तो ये लिक्विड की रेजिस्टेंस है, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें अगर पाइप सीरीज में है तो इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट लगाएंगे हम, तो मतलब ये फॉर्मूला यूज करने, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल अगर मान लो ये सीरीज में है तो रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं, पैरेलल में 1/R1 1/R2 लगता है, सेम रूल लग सकता है इसमें। इसमें हम ऐसे लगाएंगे कि अगर ये सीरीज में है तो जैसे V1 V2 होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते थे दो रेजिस्टर्स में, इसमें दो पाइप्स में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड करंट क्या रहेगा, सेम, और डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कई लोग सोचते हैं कि ये पाइप ऊपर जा रही है नीचे, यानी ऊपर नीचे नहीं है, ये टेबल के ऊपर एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, टॉप व्यू लिया हुआ है, टेबल का टॉप व्यू है, तो एक इधर जा रही है पाइप एक इधर जा रही है, सच दैट डेल्टा पी दोनों में सेम है पैरेलल में, लेकिन वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इसमें डिवाइड हो जाएगा, जैसे करंट डिवाइड हो जाता है इसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, शो दैट अगर दो कैपिलरीज हैं जिसका रेडियस R1 R2 है, R1 और R2 है, दो कैपिलरीज हैं आपस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, लेंथ L1 L2 है, प्रेशर हेड ऑफ पी है, प्रेशर हेड पी का मतलब टोटल प्रेशर डिफरेंस कितना है इनमें, पी है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है आपको। तो अब क्या करेंगे, सीरीज के अंदर प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा, पी वन प्लस पी टू। अब पॉइसली फॉर्मूला क्या कहता है कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड वी क्या होता है, पाई बाई 8 पी आर 4 बाई ईटा एल, पहली पाइप में लगाते हैं क्योंकि सीरीज में है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम, तो पहली पाइप के लिए वी सेम है, प्रेशर P1 है, रेडियस R1 है, लेंथ L1 है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, P1 आ गया, यहाँ करेक्शन है थोड़ी सी, यहाँ पर पाई भी आएगा नीचे, पाई ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे हमने सेकंड पाइप के लिए क्या निकाल लिया, P2 निकाल लिया, पॉइसलीज फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि V की वैल्यू दोनों पाइप्स के लिए क्या एग्जैक्टली सेम है, तो V सेम है तो P1 P2 आ गया, टोटल प्रेशर क्या है, P1 प्लस P2, तो P1 P2 को पुट करके सॉल्व करके V कॉमन निकाल के V की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड आएगा। तो इस तरीके से सीरीज पैरेलल की प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही सॉल्व होगी, और इसमें नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा, ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या गिवन है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, आर है, मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल बल्क मॉडुलस के, सराउंडेड बाय अ लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में सॉलिड स्फीयर को हमने फंसा दिया जिसका रेडियस आर है, ऊपर सिलेंडर के ऊपर क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन का एरिया क्या है, ए है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस। अब वो कह रहा है व्हेन अ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पिस्टन कंप्रेसेस द लिक्विड फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, पूरी कहानी है, बेकार कहानी है, बस वो ये कह रहा है कि एक हमने एक सिलेंड्रिकल ये लिया, इसमें बॉल फंसा दी, ऊपर पिस्टन रख दिया, पिस्टन के ऊपर मास रख दिया, मास ने पिस्टन को कंप्रेस किया, ये बॉल क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो फोर्स कितनी लगी बॉल को कंप्रेस करने के लिए, जितना आपने वेट रखा, वेट कितना रखा, mg। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, आपको डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना है, dr/r निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने लंबे तरीके से किया, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी करने की, आप इसमें ये तो समझते हो कि बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन है,
तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स बाय एरिया एम जी बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डिनोमिनेटर में क्या होता है डेल्टा वी बाय वी। तो एक काम करते हैं, हमें डेल्टा वी बाय वी निकालना ही नहीं है, या इसमें डी वी बाय वी कर लेता हूँ, हमें डी वी बाय वी हमें डी आर बाय आर चाहिए। एक काम करते हैं वॉल्यूम को लिखो, वॉल्यूम क्या होता है बॉल का 4/3 πr³। एरर का रूल लगाओ, डी वी बाय वी इज 3 × dr/r, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो क्या 3 × dr/r, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dr/r कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। ज़्यादा आसान है, कहानी लंबी है, अंदर से कुछ भी नहीं है, बल्क मॉडल्स का सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? हालांकि इस चैप्टर का नहीं है, बल्क की प्रॉब्लम है ये, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बता दिया था, अगर वायर टेपर्ड हो तो एरिया क्या लेना होता है अंडर रूट ऑफ a1 a2, सेम है, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्लो, सॉरी विस्कोसिटी के द्वारा कैसे आगे शीट। अच्छा रिपीट है, ये रिपीट है, ये चाहिए नहीं, हमने कर लिया। फ्लूइड फ्लो, देखो फ्लूइड फ्लो के अंदर सबसे पहली चीज ये कि रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला नोट करो। मेंस वालों को रेनॉल्ड्स नंबर पे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, पता नहीं उनको क्या पसंद है ये रेनॉल्ड्स नंबर। ये याद करो फॉर्मूला, एन ईटा बाय डायमीटर इंटू रो, पक्का करो इसे, नीट में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद करके जाना, मैं बता रहा हूं आपको। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, उसको करने से पहले आप एक चीज इसमें देखो, इसके अंदर ये स्टार्ट है कहानी कि टाइप ऑफ लिक्विड्स की फ्लो कैसे होते हैं, लिक्विड का फ्लो कैसा होता है। लिक्विड जब पाइप में बहता है तो उसका फ्लो कैसा होगा, या तो वो स्मूथ होगा या वो मिक्स हो के बाहर आएगा। तो अगर वो स्मूथ होगा उसको स्ट्रीमलाइंड फ्लो बोलते हैं, और अगर वो पता नहीं रैंडम फ्लो में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो टर्बुलेंट फ्लो है, राइट। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, स्ट्रीमलाइन का मतलब पाथ, तो स्ट्रीमलाइन कुछ ऐसा होता है कि अगर एक लिक्विड का पार्टिकल यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर जा रहा है पाइप में, तो इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी वी ए वी बी वी सी है। जब अगला पार्टिकल इसी रास्ते पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, वी ए वी बी एंड वी सी। तो ऐसे केस में हम इन लिक्विड के फ्लो को स्टडी कर सकते हैं और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड के पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर क्या होगी, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट है, मिक्स है, रेंडम है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसको स्टडी भी नहीं करेंगे। तो एक वेलोसिटी है जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो बॉर्डर लाइन है। अगर आपकी पानी की वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो फिर तो स्मूथ फ्लो है, स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, और अगर ज्यादा है तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का रूल है। तो रेनॉल्ड्स एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक नंबर निकाला, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एन का फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू डायमीटर ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर ये नंबर 0 और 2000 के बीच में है तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर ये 2000 या 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट फ्लो है, ऐसा बोलते हैं। 2000 से नीचे जो पक्का स्ट्रीमलाइंड है, बस ये नंबर याद रखना और ये लिमिट याद रखना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत सिंपल है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अभी हमने की कि वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी, और वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड विल रिमेन सेम। तो ये क्या चीज है, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड विल रिमेन सेम। तो a1 v1 a2 v2 क्लियर है। अगर मैं दोनों साइड को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम की जगह क्या टर्म आ जाएगी यहां पर, मास। तो मास एंटरिंग एंड मास कमिंग आउट पर सेकेंड विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मास कमिंग आउट, मास एंटरिंग एंड कमिंग आउट सेम, तो वॉल्यूम एंटरिंग एंड कमिंग आउट सेम। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट सीधा आते हैं इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है किसी पाइप में या किसी भी फ्लो में तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। तो ऐसे केस में सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एनर्जी कंजर्वेशन। तो फॉर्मूला नोट करें बर्नौलीज का, पी बाय रो जी एच वी स्क्वायर बाय टू। वी स्क्वायर बाय टू का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, कनेक्ट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, इन तीनों का सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको फॉर्मूला ही आना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हैं, या तो बर्नौलीज है या फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है।
प्रूफ तो करना नहीं है। तो इस इन दो टॉपिक्स पे सबसे पहले बर्नौलीज की एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये आ सकती है पेपर में, सीधी प्रॉब्लम एनसीईआरटी की आती है। जैसे एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट है ऑन अ मॉडल एरोप्लेन, एरोप्लेन को लटका दिया खिलौना उस विंड टनल के आगे, हवा चलाई। अब हवा जब चलती है तो ऊपर हवा की स्पीड अलग है, नीचे अलग होती है। अब एरोप्लेन का उड़ने का प्रिंसिपल भी बर्नौलीज के ऊपर पेस्ट होता है। तो प्लेन का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई प्लेन उड़ रहा है तो उसकी शेप स्ट्रीमलाइंड होती है, ऊपर से एरिया कम होता है, नीचे से एरिया ज़्यादा होता है, कुछ इस तरीके से। तो जब हवा चलती है इस तरीके से तो ये लाइंस ऐसे क्रॉस करती हैं ऐसे। अब क्योंकि नीचे से एरिया ज़्यादा रखा जाता है तो नीचे वेलोसिटी एयर की क्या रहती है, कम। ऊपर एरिया को कम रखा जाता है तो ऊपर वेलोसिटी एयर की क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, नीचे वेलोसिटी कम है तो नीचे काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो नीचे प्रेशर की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि टोटल एनर्जी में या तो प्रेशर है या पोटेंशियल है या काइनेटिक है। हम पोटेंशियल्स की एनर्जी को कंपेयर नहीं करते क्योंकि प्रेशर और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर और प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो पोटेंशियल जिसके सामने कुछ भी नहीं होती। तो हम जितने भी बर्नौलीज का न्यूमेरिकल भी करते हैं उसमें जीएच वाली टर्म को कैंसिल कर देते हैं, हम उसको लेते नहीं है, निगलेक्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जीज को। तो प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम है। तो प्रेशर का डिफरेंस हो गया, प्लेन ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाता है। प्लेन को सिर्फ भागना है, तो प्लेन को पंख तो है नहीं कि उड़ना है, प्लेन को सिर्फ आगे भागना है, तो नीचे अपने आप ही प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर प्रेशर अपने आप कम होगा, प्लेन अपने आप ही उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। प्लेन की स्पीड स्लो करोगे प्लेन उतरना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर बिल्कुल ज़मीन पर उतारना है और स्लो कर दो तो प्रेशर डिफरेंस एकदम ही बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर प्लेन नीचे उतर आएगा। तो सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस का गेम है प्लेन को उड़ाना। ठीक, तो इसमें यही है कि वो कह रहा है कि नीचे की स्पीड, मैंने क्या बताया, नीचे का एरिया क्या होता है, ज्यादा ज्यादा, नीचे का एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी क्या होती है, कम। तो 63 और 70 में से ये नीचे की वेलोसिटी और ये ऊपर की वेलोसिटी है प्लेन उड़ाना है। तो क्या कह रहा है कि एरिया विंग का इतना है 2.5 है, तो आपको ये बताना है लिफ्ट ऑन द विंग कितना है, लिफ्ट का मतलब फोर्स कितनी है विंग के ऊपर। तो आप बर्नौलीज ऊपर नीचे लगाएंगे, पोटेंशियल को तो आपने कैंसिल करना ही करना है, ये तो कभी यूज होती नहीं है, तो इसको उड़ा देना है, इसको लेना ही नहीं हमने। तो आपके पास P1 माइनस P2 ये बनेगा, वेलोसिटीज दोनों गिवन है आपको, यहाँ से डेंसिटी गिवन है एयर की, तो क्या आएगा, प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, फोर्स आएगी, दिस इज द लिफ्ट ऑन द प्लेन। उसी तरीके से ये प्रॉब्लम आती है, ये हट वाली कहाँ गई प्रॉब्लम, रूफ, हाँ ये रही। तो जब हवा चलती है तो जो घर है उस टीन के बने हुए घर हैं, टीन सबसे पहले हवा में उड़ जाते हैं, दीवार नहीं टूटती, टीन उड़ते हैं। तो क्यों, क्योंकि ऊपर हवा बहुत तेज चलती है, ऊपर का ऊपर जो है बहुत तेज हवा चल रही है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, रूम खिड़कियां बंद है बुरी तरीके से, बिल्कुल कुछ भी ओपन नहीं है, तो पक्का उड़ेगी उड़ेगी, तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक जीरो है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, काइनेटिक ज्यादा है, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर का डिफरेंस से छत उड़ जाएगी। तो क्वेश्चन यही है कि डेंसिटी एयर की गिवन है और स्पीड 108 किलोमीटर पर आर से ऊपर से हवा निकल गई, नीचे तो है ही नहीं, रूफ का एरिया गिवन है, तो एरोडायनामिक लिफ्ट निकाल लो, फोर्स निकाल लो, रूफ पे क्या लगेगी, तो बर्नौलीज लगाओ ऊपर नीचे, पोटेंशियल को तो लेना ही नहीं है, घर के अंदर वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो यहां से P1 और P2 रह गया, बाकी हमने निकाल लिया, सॉल्व करके P1 माइनस P2 फिर से आ गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया इज लिफ्ट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जैसे कोई पानी बह रहा है, पानी बह रहा है तो एक जब भी पाइप में पानी बहेगा तो दो ही चीज़ें लगेंगी, या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1V1A2V2, या फिर आपकी क्या लगेगी, बर्नौलीज, बर्नौलीज ए और बी पे लगेगी, तो वहाँ से आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये बर्नौलीज का काम है, इसमें जैसे ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसी आ भी जाती है तो आपको क्रॉस सेक्शन डायमीटर दोनों का गिवन है, ठीक है, आपको वेलोसिटी नहीं गिवन, आपको एंट्री की वेलोसिटी V1 नहीं पता और बाहर V2 भी नहीं पता। मान लो आपको निकालना है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दो तरीके से निकल सकता है, या तो A1V1 या A2V2, दोनों का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। प्रॉब्लम क्या है, एरिया दोनों के गिवन है, वेलोसिटी एक की भी नहीं गिवन। तो अगर मैं वेलोसिटी किसी की भी निकाल दूं V1 या V2, तो A1V1 से भी और A2V2 से भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई, वहां से तो V1V2 की रेशियो आई बस। दूसरी इक्वेशन में क्या लगेगा, दूसरी इक्वेशन में बर्नौलीज लगेगी, हाइट को आपने नहीं लेना,
तो यहां से प्रेशर डिफरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी इसमें पुट कर लेना, प्रेशर डिफरेंस से V1 V2 की इक्वेशन बन जाएगी। तो ऊपर और नीचे की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके V1 V2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो समझ में आ रहा है, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम है जब V1 V2 गिवन नहीं होता तो एक लगती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और एक लगता है इसमें बर्नौलीज थ्योरम, ऑटोमेटिकली V1 V2 आएगा, फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है, अभी देखेंगे पेपर में क्या क्या आया हुआ है, पर आ जाती है बर्नौलीज की शीट में से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। एनसीईआरटी की 5-7 प्रॉब्लम्स तो हैं। मेंस और नीट में ये भी आता है, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स के ऊपर टॉपिक ये आते हैं, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव्स और उसमें मिलेंगे पुराने पेपर में। तो इसका लास्ट टॉपिक है ए फ्लक्स इस चैप्टर का।
वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स है कि अगर आपके पास ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड के कंटेनर में आपने यहां पर होल कर दिया, जब आपने यहां पर होल किया तो पानी बाहर निकलेगा, जिस वेलोसिटी से निकलेगा उसको वेलोसिटी ऑफ एफ फ्लक्स बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मान लो ये होल आपने कहां किया, एच डैश हाइट पर किया, तो पानी से यहां तक की हाइट क्या है, एच। राइट, क्लियर है यहां तक? ये एच है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बतानी है क्या है। देखो मैं इसमें आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होती है अंडर रूट ऑफ 2g h, h का मतलब होल और पानी की हाइट के बीच में डिफरेंस h होता है। पर नहीं, आप इसको प्लीज का प्रूफ भी करें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ घुमा देगा वहां पर और गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रूफ बड़ा सिंपल है, आप एक पॉइंट इस होल के लेफ्ट पे लें और एक इमीडिएटली बाहर लें, तो आप यहाँ पर बर्नौलीज लगाएं, लिक्विड हॉरिजॉन्टल फ्लो में है, बर्नौलीज लगाएं एक्स और वाई पॉइंट पर, ये बर्नौलीज है। एक्स पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, तो पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, और पोटेंशियल को तो देख रहे हैं, नहीं छोड़ दो क्योंकि एक्स और वाई सेम हाइट पर है। अंदर पानी की वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या है, जीरो, और बाहर निकलते ही एफ्लक्स है। ऐसा क्यों, अंदर वेलोसिटी जीरो क्यों है? अच्छा सोचो, मैं एक खिड़की बनाता हूँ खिड़की सामने, और ये सब स्टूडेंट्स हैं, ये लाइन में लग जाएं सारे के सारे, और यहाँ से आते आते स्टूडेंट एक एक करके खिड़की में जंप करेगा, ठीक है, मान लो जंप करना है। अब अंदर क्या होड़ मची हुई है, एक दूसरे को कह रहे हैं जल्दी, क्योंकि बच्चा तो एक ही निकलेगा ना एट अ टाइम, अब हर कोई पुश कर रहा है एक दूसरे को, भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, मैं रुका हुआ हूँ, अंदर तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है ना, बाहर निकलती वो हवा में तेज भागता है, तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ जाती है, अंदर वाले अभी भी ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही रहते हैं, तो अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है, तो समझो वही है। तो Vx जीरो है और Vy एकदम एफ्लक्स है, इसलिए Vx को जीरो पुट किया और Vy को एफ्लक्स। सॉल्व किया, आंसर, प्रूफ नहीं करना, बस सुन लिया, ठीक है, अब लगा के दिखाऊंगा कि कैसे चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि पानी हॉरिजॉन्टल निकला विद वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, तो नीचे गिरा, तो कितनी दूर जाके गिरा उसको रेंज बोलते हैं, और यह हाइट एच डैश है। अब यह प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम हो गई, वर्टिकल में डिस्टेंस एच डैश है, तो वर्टिकल में इक्वेशन क्या लगेगी, एच डैश इज जीरो, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी लिक्विड की है ही नहीं, वो हॉरिजॉन्टल जा रहा था, हाफ जी टी स्क्वायर टाइम आ गया, और हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हम इक्वेशन क्या अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, तो आर इज इक्वल टू वी एफ फ्लक्स इंटू टी, टी हमने निकाल लिया, एफ फ्लक्स हमें पता है, मल्टीप्लाई करो, ये गलत फॉर्मूला है, यहाँ पर टू बाहर आएगा, टू बाहर आएगा, तो रेंज का फॉर्मूला नोट करो, रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ होल की नीचे की हाइट और होल के ऊपर की हाइट, अंडर रूट एच एच डैश, ये नोट कर लेना, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये दो फॉर्मूला नोट करें। नेक्स्ट है, अब यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, ये फॉर्मूला फेल हो जाएंगे अगर आपको दो लिक्विड दे दिए उन्होंने। अब लिक्विड एक नहीं है, लिक्विड नीचे डेंस है ऊपर लाइट है, 2d और d डेंसिटीज है। अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालो, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा अंडर रूट और 2g वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिंगल डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए था। अब फिर से क्या लगानी पड़ेगी, बर्नौलीज, तो x और y पे फिर बर्नौलीज, x पॉइंट पर प्रेशर, a पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, p एटमोस्फेरिक प्लस h बाय 2 dg, h बाय 2 rho g जो भी होगा, और प्लस ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ये हाइट क्या है, h बाय 2 माइनस h इंटू डेंसिटी 2d इंटू, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो ये देखो, अपर लिक्विड का प्रेशर, लोअर लिक्विड का प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये ए पॉइंट का प्रेशर है, अंदर वेलोसिटी तो वैसे ही जीरो है, बाहर निकलते बी पॉइंट हवा में है, हवा में प्रेशर क्या होता है, पी एटमोस्फेयर, और बाहर कौन लिक्विड, 2d लिक्विड निकला, तो डेंसिटी 2d और एफ्लक्स के साथ निकला। तो मैं आपको तरीका याद तो कुछ करना नहीं, ना तो ये याद करना है, इसकी सॉल्व करके आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको बर्नौलीज लगा के ही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालनी पड़ेगी, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे याद नहीं कुछ कर सकते। तो ऐसी रेंज निकालनी है, तो प्लीज डोंट यूज दिस फॉर्मूला, शॉर्टकट नहीं यूज करें, रेंज के लिए फिर से वो लगाएं कि मान लो जो होल है वो एच हाइट पर है, और एच हाइट पर है तो फिर से एक बार एच इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि इस बार एफ्लक्स की वेलोसिटी चेंज है, इसलिए रेंज की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो ये रेंज आ गई, मेडिकल में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, तो इसमें रेंज की वैल्यू आ गई, रेंज आ गई। क्वेश्चन आ जाता है नॉन मेडिकल में, मेडिकल में नहीं आ जाता था, कि रेंज आ गई, आपको रेंज, आपको हाइट बतानी है कि होल की हाइट कहाँ रखें, एच स्मॉल एच बताओ क्या हो, कि रेंज मैक्सिमम हो। अब रेंज आ गई, रेंज मैक्सिमम करनी है, मैक्सिमा मिनिमा, या रेंज का स्क्वायर मैक्सिमा मिनिमा, एक ही बात है।
तो क्योंकि अंडर रूट में कैलकुलस कौन करेगा, आप इसका स्क्वायर निकाल लो। तो मैथ्स के लोग जानते हैं इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू स्मॉल एच, यहाँ से हाइट आ जाएगी कि होल कहाँ रखा जाए कि ताकि रेंज मैक्सिमम है। तो इस पर एक शॉर्टकट याद करेंगे, अगर सिंगल लिक्विड है, बस सिंगल लिक्विड है तो एक ही डेंसिटी का लिक्विड है, तो होल हमेशा पानी की हाइट के मिड पॉइंट पर रखा जाए ताकि रेंज मैक्सिमम है। इस सीधा याद करेंगे तो होल कहाँ पर होगा, कैपिटल एच बाई टू। ये प्रूफ किया हुआ है पर जरूरत नहीं है प्रूफ करने की। तो ये याद रखना, होल हमेशा पानी की हाइट अगर 10 मीटर है तो 5 मीटर पे होल रखा जाएगा ताकि रेंज मैक्सिमम है, ये याद रखना है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि अगर मान लो दो होल्स हैं 1 और 2 और पानी वो एक की हाइट H1 है एक की हाइट H2 है, पानी की हाइट कैपिटल H है और रेंज वगैरह दोनों में सेम है। अगर रेंज सेम है तो प्रूफ करो कैपिटल H H1 और H2 के बराबर है। देखो आपको एक ही चीज़ आती है, रेंज सेम है, सिंगल डेंसिटी का लिक्विड है तो इसकी रेंज क्या होगी, 2 × इस होल के नीचे की हाइट इस होल की ऊपर की हाइट, इसकी क्या रेंज होगी, 2 × होल के नीचे की हाइट होल के, तो रेंज को इक्वेट करके अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है आता, तो रेंज का फॉर्मूला ऐसे काम आएगा इसमें, बस इसमें इतना ही है। नहीं हाँ एक दो तो चीज़ें और भी हैं, फ्लूइड फ्लो में भूल गया मैं, और न्यूमेरिकल्स में ये नॉन मेडिकल वालों के लिए है, नहीं मेडिकल में भी आता है सच इसका फॉर्मूला, भूल गया मैं, मेडिकल में सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला आएगा, नॉन मेडिकल भी क्या करेगा इसको सॉल्व कहाँ कर लोगे आप फॉर्मूला ही याद करेंगे क्या, कि अगर मान लो आपको एक कंटेनर में लिक्विड गिवन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए गिवन है और नीचे होल है विद द एरिया स्मॉल ए, तो एच लिक्विड, अभी एच लिक्विड है इसमें तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के अंडर रूट ऑफ 2gh, पानी निकलता जा रहा है, लेवल नीचे गिरता जा रहा है, टैंक कितनी देर में खाली होगा ये बताओ, अभी एच हाइट है तो टैंक खाली करने का क्या रूल है, मेडिकल वाले फॉर्मूला याद करेंगे, नॉन मेडिकल टेक्निक भी देख लें क्या, जब पानी नीचे आएगा तो मान लो टैंक बहुत बड़ा है और होल तो छोटा है, तो होल में से कितना वॉल्यूम निकलेगा पर सेकंड, एरिया इनटू वेलोसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या है, जितना एक सेकंड में वॉल्यूम नीचे गिर रहा है टैंक में उतने बाहर निकल रहा है, तो नीचे कितना गिर रहा है, नीचे आने की वेलोसिटी क्या है, डीएच बाई डीटी, मान लो डीएच लेवल नीचे गिर गया, क्योंकि टैंक का लेवल तो बहुत कम दिखेगा आपको नीचे आता हुआ, जब पूरा टैंक खाली होता है तो पता नहीं लगता खाली हो भी रहा कि नहीं हो रहा, तो डीएच बाई डीटी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और एरिया ऑफ टैंक कितना है, कैपिटल ए, तो क्या लिखेंगे, एरिया इंटू नीचे आने की वेलोसिटी विद नेगेटिव साइन, क्योंकि टैंक खाली हो रहा है तो रेट नेगेटिव हो रहा है, तो ये इक्वेट करेंगे नॉन मेडिकल के लोग, एच वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये टाइम का फॉर्मूला आएगा, ये प्लीज नोट कर लें, टैंक इतनी देर में खाली होगा, बस ये फॉर्मूला नोट कर लें, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए। तो ये याद रखना, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर हाइट ऑफ द लिक्विड टैंक में 15 मीटर है और वो एम्प्टी 3 मिनट में होता है तो बताओ कितने टाइम में 25 मीटर का टैंक खाली होगा, तो मुझे पता है इसमें जो टाइम है वो हाइट के साथ कैसे रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है, दो केस बना लेना, अगर हाइट 15 है तो टाइम 3 मिनट है, अगर 25 है तो क्या होगा आंसर, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ टैंक और एरिया ऑफ होल रिमेन सेम, अगर टैंक ही चेंज कर देगा फिर दोनों के एरियाज भी लेने पड़ेंगे आपको, तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये भी नहीं चाहिए, ये मेन वालों ने प्रॉब्लम डाल रखी है, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आएगी प्रॉब्लम, देखो मैंने भी नहीं सोचा था ये ऐसे कुछ डालेंगे क्या, कि अगर आपके पास एक टैंक है पानी से भरा हुआ टैंक है और मान लो फ्रिक्शन नहीं है नीचे पानी और होल में से पानी जैसे ही बाहर निकलता है विद सम वेलोसिटी, तो जैसे ही बाहर निकलता है टैंक को रिएक्शन मिलता है पीछे और टैंक पीछे खिसक सकता है, अगर फ्रिक्शन नहीं तो जैसे आप वो कहते हैं ना वो फ्रिक्शन के अंदर अगर आपको आप फंस गए हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो आपको कॉर्नर पे आना है क्या करोगे,
आप छींकोगे, आप स्नीज करोगे या आप बोलोगे जोर जोर की, तो आपका एक्शन क्या देगा आपको? रिएक्शन। ये ऐसा वो फिर प्लस वन में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है। उसी तरीके से ये क्या करेगा, पानी बार फेंकेगा ताकि इसे रिएक्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन है कितनी फोर्स से टैंक पीछे आएगा, ये क्वेश्चन ये मेंस वालों ने डाला। तो क्या होगा, फोर्स डीपी बाई डीटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसके अंदर वेलोसिटी बाहर आ गई और मास चेंज हो रहा है पर सेकेंड, डीएम बाई डीटी मतलब मास फ्लोइंग पर सेकेंड। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 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 का स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला नोट करें, फोर्स का फॉर्मूला वेलोसिटी स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ होल इनटू डेंसिटी, ये यूज करेंगे आज के लेक्चर में। प्लस टू कर रहे हो पुराने पेपर्स, शुरू कर दो 15 दिन के अंदर, वो भी पैरेलल चलाने हैं। अदरवाइज ये मत सोचना पहले प्लस वन खत्म होगी, हो सकता है 15 दिसंबर आ जाए, 12 दिसंबर भी 15 जनवरी आ जाए, 15 जनवरी आ गई तो क्या रह गया आपके पास, कुछ भी नहीं। साथ साथ अभी से शुरू करो, प्लस टू साथ साथ करते जाओ। वैसे आपने कीवी में देख भी रहा था, कई स्टूडेंट मॉडर्न फिजिक्स कर चुके हैं, कम्युनिकेशन सेमीकंडक्टर कुछ पोर्शन मैंने देखा करते हुए, पर प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम वन में, वॉल्यूम वन भूल जाता है एक्चुअली, वॉल्यूम टू फिर भी याद रहता है, वॉल्यूम वन भूल जाता है। तो वॉल्यूम वन से प्रैक्टिस शुरू करना, क्योंकि वॉल्यूम टू तो ऐसा है ना, आप रिवाइज भी कर जाओगे तो भी आप वहाँ कुछ ना कुछ याद आ जाएगा, वॉल्यूम वन में बिल्कुल याद नहीं आएगा, भूल चुके हैं। तो अगर मेरा भी खत्म होगा तो मैं उस टाइम कुछ वॉल्यूम वन के पोर्शन तो करवा ही दूँ, जितना मेरा टाइम बचेगा देखो मैं करवा दूंगा, उसमें मेन तो एक बार रिवाइज करवा ही दूंगा, बाकी पता नहीं ना। आप प्लीज़ अपने अपनी तैयारी खुद रखें, एक बार अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। तो ये क्वेश्चन है, और जरूरत नहीं है इसकी, जरूरत नहीं है ठीक है। लो इसी पे क्वेश्चन आ गया, अभी जो बात हो रही थी शायद वही है। हाँ ये देखो, देखो एक सिलेंडर है, एरिया ए है, होल का एरिया स्मॉल ए है, मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑन द वेसल। तो इसमें भाई एक स्टेप एक्स्ट्रा है, जब पानी बाहर निकलेगा तो फोर्स पीछे लगेगी, अभी हमने फोर्स की, और स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन जो फोर्स हमने अभी कैलकुलेट की। तो यही रूल है इसमें, ये देखो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, म्यू एम जी, और अभी हमने क्या निकाली, पीछे की फोर्स क्या होती है, रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी का यूज हो गया ना फॉर्मूला अभी। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, मास को पुट कर लेना एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, सॉल्व करके यहाँ से म्यू आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पुट कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला अभी हमने किया वो कैसे उसने आगे फर्दर यूज करवा दिया, अब जिसमें वो टॉपिक ही नहीं किया होगा वो आगे फर्दर कैसे करेगा। ठीक, इसका
व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सर्कुलर टैप जिसका फ्लो रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.18 लीटर पर मिनट टू 0.48 लीटर पर मिनट, रेडियस ऑफ द टैप एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर आर गिवन। तो आपको ये बताना है कि रेनॉल्ड्स नंबर, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर की गेम हो गई। देखो कैसे उसने क्या किया, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लगा लिया। रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर ये फॉर्मूला लगा के एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें वी का मतलब है इसमें रेट ऑफ फ्लो बाय एरिया। क्यों, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू एरिया, सॉरी एरिया इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ फ्लो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये नंबर लगा के आप एक काम करेंगे, इसमें आपको रेट ऑफ फ्लो क्वेश्चन में गिवन है, तो एरिया से डिवाइड करके क्या आएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहां देखो ना रो चेंज होगा, ना डी ना ईटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्लो ऑफ रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक बार आप पहली वेलोसिटी पुट करेंगे, एक बार दूसरी पुट करेंगे, तो ये नंबर 382 और 1019 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये फ्लो क्या है, ये स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो एक ही बात है। तो ये स्टेडी फ्लो है क्योंकि इनका नंबर 1000 से कम है, उसके 1000 से ऊपर क्या होता है, अनस्टेडी हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेडी फ्लो टू अनस्टेडी, क्योंकि 1000 से नीचे पहला फ्लो है, 1000 के ऊपर दूसरा फ्लो है, तो स्टेडी से अनस्टेडी के बीच में हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आप नोट कर सकते हैं, 1000 से नीचे स्टेडी है, 1000-2000 के बीच में अनस्टेडी है, और उसके बाद तो बिल्कुल ही टर्बुलेंट है, बात खत्म। मतलब सारी जिसको रेनॉल्ड्स नंबर याद है बस वही कर पाएगा, मैंने पहली और कई बार आया ऐसा क्वेश्चन रेनॉल्ड्स नंबर पे। तो रेट ऑफ फ्लो देखते हुए जब ये बताना होता है कि फ्लो कैसा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे इसका लॉजिक लगेगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट है इसमें जब भी बकेट में सिलेंडर में पानी घूमेगा गोल गोल, तो उसका जो सेंटर का पॉइंट है वो नीचे होगा और पानी साइड ऑफ वॉल से ऊपर उड़ जाता है। गोल गोल घुमाओगे ऐसे होता है ना, ऊपर जाता है। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, बर्नौलीज थ्योरम। तो कैसे, आपने ए और बी एक बिल्कुल सेंटर का पॉइंट लेना है और आपने ये पॉइंट लेना है, आपने बर्नौलीज लगानी है। तो बर्नौलीज थ्योरम ए और बी पे लगाओ, हाइट को नहीं लेना, मैंने पहले मना कर दिया, तो हाइट वाली टर्म को तो आपने कैंसिल कर देना है, छोड़ दो। तो आपके पास ये बर्नौलीज बची, पी ए माइनस पी बी इसके इक्वल आ गया, और पी ए माइनस पी बी इनमें दोनों में हाइट का डिफरेंस है, तो एच रो जी, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एच रो जी। और जो सेंटर का पॉइंट है वो तो रेडियस इसका जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा में आर जीरो, तो वी जीरो। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी ए की जगह जीरो, वी बी की जगह आर ओमेगा पुट करोगे तो आंसर आएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बर्नौलीज लगानी है, ए और बी पॉइंट पर अपने आप आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, पुराने पेपर्स के अंदर मिलेगा आपको ये लो। फ्लूड फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है विद स्पीड ऑफ वी एट अ पॉइंट वेयर प्रेशर इज पी, पी प्रेशर जहां पर है वहां वेलोसिटी वी है। दूसरा पॉइंट है जहां प्रेशर पी बाय टू है, वहां वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल वी है। अगर डेंसिटी रो है, फ्लो ऑफ स्ट्रीमलाइन है, मतलब नॉर्मल फ्लो है, तो कैपिटल वी क्या है, क्या लगेगी इसमें, बर्नौलीज, हाइट तो लेनी नहीं है। तो प्रेशर एक पी और पी बाय टू, डेंसिटी रो और रो, वेलोसिटी स्मॉल वी और कैपिटल वी निकाल लेना, इससे आसान क्या मिलेगा, सीधी बर्नौलीज से पूछ ली। अलग तो ये भी बर्नौलीज टाइप ही रहा है, ये वही क्वेश्चन है सच। वाटर फ्लोज हॉरिजॉन्टल पाइप में प्रेशर ऑफ द वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में एरिया चेंज हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो ये क्या दे रहा है, पी वन माइनस पी टू, या पी ए माइनस पी बी, या पी बी माइनस पी ए, जो भी प्रेशर का डिफरेंस दे रहा है। अब वो क्या कह रहा है,
इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है, फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. आज मैंने शीट में डिस्कस किया था कि आपको वेलोसिटी तो दे नहीं रहा, और एरिया फ्लोइंग, एरिया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, ए वन वी वन या ए टू वी टू, एरिया दोनों दे रहा है, वेलोसिटी दे नहीं रहा, तो क्या लगेगी, बर्नौलीज. एक लगेगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और क्या एक लगेगी बर्नौलीज, वहां से वेलोसिटीज आएंगी, वेलोसिटी से एरिया इनटू वेलोसिटी से आंसर आएगा. वही शीट वाली सेम प्रॉब्लम है जो मैं कह रहा था, आई जाती है नॉर्मली वो. तो आइडिया समझ में आ रहा है, एक बार इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वेलोसिटी की रेशियो, एक बार बर्नौलीज प्रेशर डिफरेंस दे रहा है, तो VA VB में दो इक्वेशन सॉल्व करके V एंड VB कैन बी कैलकुलेटेड, फिर एरिया इनटू वेलोसिटी से आंसर आएगा. तो यहां तक पॉइंट क्लियर है. अच्छा ये देखो, ये आया हुआ है क्वेश्चन उस पे एफ्लक्स वाले रेंज. देखो इसमें वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 12 मीटर इन टैंक, पानी की हाइट 12 मीटर है. अ होल इज मेड इन वन ऑफ द वॉल एट अ डेप्थ ऑफ एच बिलो द वाटर लेवल. एच बताओ ताकि मैक्सिमम रेंज है, तो इसमें क्या होगा, छह आंसर है इसका. अच्छा इसमें तो प्रूव किया हुआ है, जरूरत ही नहीं, हमें शॉर्टकट ही याद है आंसर, छह. सिंगल डेंसिटी का लिक्विड है ना, तो अगर हाइट 12 मीटर है तो 6 मीटर सही है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है. तो क्वेश्चन है, वाटर फ्रॉम अ पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट, अगर रेडियस ऑफ द पाइप इज 5 एंड रेनॉल्ड्स नंबर फिर आ गया, ऑर्डर ऑफ क्या होगा, फिर फॉर्मूला क्या लगेगा रेनॉल्ड्स नंबर का. मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये कई बार मैं देख चुका हूँ रेनॉल्ड्स नंबर, तो फॉर्मूला ही लगाना है इसमें. अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, फॉर्मूला तो लगा लोगे, फॉर्मूला रेनॉल्ड्स नंबर का इसके इक्वल है, फॉर्मूले के अंदर यूज हो रही है वेलोसिटी, तो अभी पिछला प्रॉब्लम भी सेम था. हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी. ये देखो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, पाई आर स्क्वायर को यहां ले जाएं तो 1 बाय पाई आर स्क्वायर इनटू डीवी बाय डीटी, ये वेलोसिटी है. जब भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर गिवन होगा और रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होगा, तो ये पहला फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वहां से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. दूसरा क्वेश्चन है एक उसमें सीक्वेंस में, पहला भी ऐसा ही था. सॉलिड स्फीयर रेडियस आर, टर्मिनल कितनी है, V1. स्फीयर ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर. आज की शीट का क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी का याद है, उसमें आर ड्रॉप कंबाइन करके बड़े के टर्मिनल पूछी, ये बड़े से छोटी पूछ गया, फॉर्मूला तो वही रहेगा टर्मिनल का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर जो भी स्क्वायर था. अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपको रेडियस निकालना पड़ेगा या डायमीटर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम को इक्वेट करके, तो रेशियो ऑफ V1 V2 निकालना है. तो पहला टर्मिनल का वही सेम है, टर्मिनल प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो पहले वॉल्यूम इक्वेट करके बड़े और छोटे का रेडियस निकाल लें, तो छोटे का रेडियस कैपिटल आर बाई 3 है, बड़े का रेडियस कैपिटल आर है, तो पहली इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा आर स्क्वायर, और दूसरी में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाई 3 का स्क्वायर. सेम क्वेश्चन है वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला, समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे इसमें कर रहा है, रेडियस वॉल्यूम से निकल आएगा.
क्वेश्चन कितना आंसर डी आर है। हाँ तो इसमें कुछ करना क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम कैपिटल वी इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो वन, तो लिक्विड के अंदर गिर रहा है, लिक्विड का डेंसिटी रो टू, तो एज्यूम दैट लिक्विड अप्लाईज अ विस्कस फोर्स ऑन द बॉल दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो विस्कस फोर्स भी दे रहा है वो 6 pi eta rv की जगह ये दे रहा है तो ये ले लेंगे कोई बात नहीं, टर्मिनल स्पीड कितनी है, तो क्या करेंगे इसमें वही टर्मिनल की डेरिवेशन ही पूछ रहा है ताकि फॉर्मूला याद ना हो, तो नीचे का वेट है, ऊपर का अपथ्रस्ट है और विस्कस फोर्स आपको गिवन है, तो नीचे की फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऊपर की फोर्सेस, अपने आप आंसर आ जाएगा, तो डेरिवेशन पूछ ली टर्मिनल की, तभी मैंने आपको डेरिवेशन दिखाई थी कि किसको किसके इक्वल इक्वेट करना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो टर्मिनल के केस में विस्कस फोर्स को बार बार चेंज करता हुआ बहुत सारे पेपर्स में मैंने देखा है, वो चेंज करता है।